हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द आईसी व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्लॉग को एंड टू स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी आ चुका है सुनील, आ चुका है और छत पे आ चुके हैं। छत पे क्यों आते हैं? पतंग उड़ाने के लिए। तो अभी जनवरी का टाइम चल रहा है तो आप सब भी पतंग उड़ाते होंगे। पतंग उड़ाइए, पतंग उड़ाना अच्छी बात है। पतंग में तंग डालने चाहिए अच्छे अच्छे। अरे कहना क्या चाहते हो? उस दिन की लाई हुई पतंगें अभी तक बच रही है। दो दो पतंगें बच रही है अभी अपनी। चार चार उड़ा दी अपन ने और मेरी तीसरी बच रही है अभी एक। तो भाई ये पतंगे बच रही है क्योंकि कट कट के आती है। और अभी तो क्या है, बच्चों की छुट्टी हुई नहीं है इसलिए अभी उड़ रही नहीं है इतनी ज्यादा पतंगे। तो गाइस अभी मैं सबसे पतंग वतंग उड़ा के आ चुका हूँ, फ्री हो चुका हूँ और अभी रात हो चुकी है। तो भाई रात को खाना खा रहा हूँ। खाने में आलू गोभी मटर की सब्जी है, पत्ता गोभी रोटी है। हेलो भाई इधर दिखाओ। तो भाई आज मतलब दो घंटे तक छत पे बैठा रहा, पतंग बिल्कुल भी मत सोई, हवा बिल्कुल भी नहीं चली, मतलब पतंग भी नहीं उड़ती थी। मतलब जैसे ही पतंग जैसे ही मतलब हवा आई ना तो इतनी तगड़ी वाली जो हवा पतंग उड़ने लग गई, क्या बताऊँ आपको। चारों तरफ पतंगे पतंगे, कोई मजा आ गया भाई। लास्ट में मतलब पूरे दो घंटे दिमाग अपसेट रहा लेकिन फिर एक घंटे में जाके सब कुछ सेटअप वैसा वैसा हो गया। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह कितने बज रहे भाई बताओ टाइमिंग? 9:27 9:30 बजे गए और अभी हम आईटीआई के रास्ते में चल रहे हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे थोड़ा इन्फॉर्म करना ज़रूरी था इसलिए। बाकी अब पतंगों का मौसम भी ज़्यादा आ गया तो पतंग वतंग भी उड़ाएंगे और आज पतंग की अनबॉक्सिंग भी करेंगे। कुछ लाई हुई है तो उनको अनबॉक्सिंग भी आप देंगे। ओस ओस हो रखी है सभी पेड़ पौधों पर और सामने सूरज देवता है। रुई वाली बर्फ है इधर। यार देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है सुबह सुबह का। मॉर्निंग में हम वॉकिंग कर रहे हैं। बढ़िया है वॉकिंग करना आपसे शरीर के लिए। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ लैब के अंदर और अब थोड़ा कंप्यूटर बिट चलाएंगे। कंप्यूटर के अंदर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कंप्यूटर को ऑन कर दिया है। यहाँ से नहीं किया गया ऑन होने में टाइम लगेगा भाई इसको। तो गाइस अभी कुछ नक्शा डिजाइन करना अपने को एक हाउस का करते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अपनी कुछ अल्टीमेट ड्राइंग। आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बताना भाई। मैं आपसे मिलता हूँ घर पे जाने के बाद। घर पे जाने के बाद पतंग उड़ाएंगे क्योंकि शाम हो जाएगी मेरे को यहाँ से जाने के अंदर। घर पे जाने के बाद पतंग उड़ाएंगे तब दिखाएंगे आपको शाम पे। यहाँ से निकलने के बाद आप कुछ नहीं दिखाऊंगा, सीधा घर पे। तो गाइस अभी मैं आईटीआई से घर पे आ चुका हूँ और घर पे आने के बाद खाना खाया और अब बस क्या करेंगे, पतंग वतंग उड़ाएंगे और एक पतंग से रिलेटेड थोड़ी वीडियो बनानी है तो वो भी बनाएंगे अलग से, मतलब जिसके बारे में। और आपको दिखाता हूँ पतंग कौन सी परचेज की है मैंने। ये देखो, ये मैंने इतनी कुछ पतंगे परचेज की है मार्केट से। कागज़ की भी है, पन्ने की भी है, सब तरह की पतंगे हैं, बड़ी नहीं है ज़्यादा। और ये देखो इस पतंग पे क्या है, #RRR, मतलब जो RRR मूवी आने वाली है ना, ब्लॉकबस्टर मूवी जो अपनी साउथ इंडस्ट्री की मूवी है जो जूनियर NTR की और रामचरण की होने वाली है। तो भाई ये है कुछ पन्नी की पतंगे और ऐसे कुछ डिज़ाइन है इन पे। तो ये पन्नी में पेटी पैक है बिल्कुल, क्योंकि भाई बरेली की हैं, ये वाली नहीं है, ये वाली हैं। इनमें कुछ बरेली की हैं, इनमें कुछ सिंपल भी हैं। तो भाई आपको दिखाता हूँ इनको खोलूँगा तो क्या, खोलूँगा तो जब मैं आपको जब सारी एक साथ पतंगें दिखाने होगी। तो भाई अभी तो ऐसे देख लो आप, आपको नेक्स्ट वीडियो पूरी पतंगों के ऊपर मिल जाएगी कौन सी पतंगें परचेज की है। ये देखो ये बरेली की है, ये सिंपल है, दो गट्टे सिंपल हैं, बाकी एक दो और तीन, इन तीन बरेली पतंगे हैं। तो भाई ये कुछ ऐसी पतंगे परचेज की है मैंने, ये पूरी 120 पतंगे हैं देख लो भाई, ये 120 पतंगों के साथ। और ये कुछ पन्नी के पतंगे 20 वो, और ये कुछ मंजर का, ये ब्लैक कलर का है और ये थोड़ा मैरून है। बाकी इसका फुल आपको जो पूरा जानकारी चाहिए तो भाई चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आपको इसी की मिलेगी। छत पे आया था, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को एक वीडियो बनानी थी अनबॉक्सिंग से रिलेटेड, जो मैंने पतंगे परचेज की थी तो उनका एक रिव्यू करना था छोटा सा, ताकि मेरे जो पतंग लवर भाई है उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो पतंग लेने के अंदर, कि कोई दुकान वाला उनको लूट तो नहीं रहा है ऐसे। मतलब थोड़ा कम ज़्यादा रेट का होता रहता है, आप भी जानते हैं मार्केट वाले अपनी रेट लगा के बेचते हैं। तो भाई मैं आपको अनबॉक्सिंग तो कर रखी है तो थोड़ी बहुत पतंगे मैं आपको इस व्लॉग में दिखा देता हूँ। चलिए देख लो भाई, उस साइड शायद कचरा जल रहा है। तो सबसे पहले तो भाई ये देखो इतनी सारी पतंगे हैं, आपको दिखा देता हूँ बस, वैसे सिनेमेटिक शॉट में देख लेना। बाकी ये पन्नी की 20 पतंगे हैं, बाकी सब 20 पतंगे हैं। और ये कुछ बैलून्स हैं जो कि आसमान में उड़ते हैं ना, काफ़ी प्यारे लगते हैं, तो ये भी दिखाऊंगा 20 ये हैं। और ये कुछ पतंगे हैं देख लो भाई, ऐसी पतंगे हैं
बाकी आपको इनकी प्राइसिंग या कुछ भी जानना है तो भाई मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में, तो आप उस वीडियो में देख लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा उस वीडियो में। देख सकते हैं ये 20-20 पतंगे, तो 120 पतंगे पूरी हैं टोटल, और ये 20 अलग है तो 140 मान लो, मतलब कंप्लीट 140 पतंगे हो गई। तो भाई एक सिंगल इंसान, तो मतलब सिंगल बंदा होता है वो तो इतनी पतंगे उड़ाता है, इससे ज्यादा उड़ाता नहीं है। बाकी ये दो तरह की हो गई, एक ब्लैक कलर का है, एक मैरून कलर का है, ये देखो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो भाई आज के वीडियो को इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आपको ये काइट वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ उसे किसी ऐसे ही न्यू व्लॉग न्यू कंटेंट के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन सभी पतंगों को यहाँ पे रख दिया है और अब इसको नीचे ले जाके जाने की तैयारी है, तो चलिए नीचे लेके चलते हैं। समेट दिया सबको, ये देखो एक दो पन्नियाँ खोली थी मैंने इस वीडियो को, मतलब एक पैकेट खोला था वीडियो में दिखाने के लिए। भाई सारी खोला तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता और मेरी वीडियो पर वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो भाई लंबी वीडियोज़ को आजकल कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, जितना छोटा कंटेंट होता है लोग उसे ही पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी भाई मेरी जो वीडियो है वो 6 मिनट की बन गई है, तो भाई इसको यहीं पर एंड करते हैं। इन सभी पतंगों को यहाँ पे रख दिया है और अब इसको नीचे लेके जाने की तैयारी है, तो चलिए नीचे लेके चलते हैं। समेट दिया सबको, ये देखो एक दो पन्नियाँ खोली थी मैंने इस वीडियो को, मतलब एक पैकेट खोला था वीडियो में दिखाने के लिए। भाई सारी खोला तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता और मेरी वीडियो पर वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो भाई लंबी वीडियोज़ को आजकल कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, जितना छोटा कंटेंट होता है लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी भाई मेरी जो वीडियो है वो 6 मिनट की बन गई है, तो भाई इसको यहीं पर एंड करते हैं।